जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे SBI द्वारा जारी किए गए क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैकेंसी के लिए, आपका क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो कि नोटिफिकेशन की जानकारी रही उसमें आपको मैं संक्षेप में जानकारी दूंगा। ठीक है, कंप्लीट डिटेल के लिए आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट रूप से जानकारी दे दूँ। और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी और अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, आज हम चलेंगे इसके नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस 7/9/2022 से 27/9/2022 तक, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैकेंसी के बारे में दे सकते हैं, वैकेंसी सर्किल, आपके स्टेट कौन से स्टेट में है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का भी ध्यान देना होगा, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें आप दे सकते हैं ESM। और यहाँ पे आपकी रेगुलर वैकेंसी में SC ST OBC फिजिकल डिसेबल ESM की वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिवाइड कर रखी है जो आप दे सकते हैं, ठीक है, आपने स्टेट वाइज और अपने सिटी वाइज दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो वैकेंसी है आपकी गुजरात है, बेंगलोर है, भोपाल है, बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वैकेंसी है, लगभग आपकी सभी जगह से वैकेंसी ऑल इंडिया है लगभग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5008 है जो पोस्ट निकली है, ठीक है, आप कैटेगरीज वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसके अन्य जानकारी देखने को मिल जाएगी, एज के पर इलेक्शन रहेगा जो कि आप देख सकते हैं 20 से लेकर 28 के बीच में 1/8/2022 से। तो यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर 2/8/1994 एंड 1/8/2002 के बीच में, ठीक है। आपकी यहाँ पे आयु काउंट होगी 1/8/2022 के अनुसार, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको दे रखा है, आपका SST 5 साल, OBC 3 साल, फिजिकल डिसेबिलिटी जनरल में 10 साल, SC ST 15 और OBC में फिजिकल डिसेबिलिटी 13 साल का रिलेक्शन रहेगा। एसेंशियल यहाँ पे दे सकते ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मांगा गया है, बाकी आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उनके बारे में, हम विस्तार से मैं आप लोगों की अलग से वीडियो बना दूंगा। स्टेट वाइज आपकी लैंग्वेज रहेगी वो आप दे सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी और बाकी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज के देखते हैं, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाई ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस यहाँ पे रहेगी वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फीस की बात करें SC ST के लिए यहाँ पे और फिजिकल डिसेबल एक्स सर्विस के लिए और DSM के लिए नील, जनरल OBC इग्नोर सेक्टर के लिए 750 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑनलाइन आवेदन की तरफ, किस तरीके से हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे 7 से लेकर 27 तक आप एडिट कर सकते, 27/9 तक लास्ट डेट है प्रिंट एप्लीकेशन की 12/10, ऑनलाइन पेमेंट की 7/9 से 27/9 तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले, तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम और यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है कोई दूसरा उसको यहाँ पे आप देंगे। फिर इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप लिखेंगे और उसका डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डोमेन हॉटमेल, याहू, रेडिट, जो भी हो यहाँ पे आप दे देंगे। उसके बाद उसी जो आपको पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे दी है उसी को यहाँ पे आपको इंटर करना है और कैप्चा को फिल करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। फोटो सिग्नेचर पे यहाँ पे आपको जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार यहाँ पे आपको करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करने का फोटो सिग्नेचर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फोटो सिग्नेचर में यहाँ पे आप सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बताया गया रिक्वायर्ड आपको पासपोर्ट साइज होगा जो कि आपको साइज दे रखा है। यहाँ से आप गाइडलाइंस दे सकते हैं, यहाँ पे आपको जैसी फोटो अपलोड करें कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। मैं फोटो गाइडलाइंस की यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ इमेज के बारे में दे रखा है, 200 से 230 के अंदर पिक्सल के और 20 से 50 KB के बीच में, सिग्नेचर 140 से 60 पिक्सल के अंदर, 10 से 20 KB के बीच में, JPG टैब रहेगा,
ठीक है, लेफ्ट हम इंप्रेशन यहाँ पे दे रखा है 240 240, 20 से 50 के भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में दे रखा है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे आपको देना है, उनकी गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोटो को यहाँ पे चुन लिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड जब भी फोटो दे आपका एक अगर नाम थोड़ा बड़ा है तो उसको सही कर लें, ठीक है, उसको सही करने के बाद ही यहाँ पे अपने फोटो को दे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ऊपर की तरफ पासवर्ड और आपको देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो जब यहाँ पे आप करेंगे देखिए फिर इसका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे आप देखते हैं नाम सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड कर लिए सैंपल के रूप में, आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपनी देखिए सबसे पहले सर्किल, तो आप किस सर्किल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपका सर्किल है उसके अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं दिल्ली कर लेता हूँ, सपोज दैट आपको सर्किल प्रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर भोपाल करता हूँ तो क्यों यहाँ पे आपको देखिए स्टेट आपको आ रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं दिल्ली करता हूँ या सपोज बंगाल करता हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देख सकते हैं अपने अनुसार यहाँ पे आप कर लेंगे, मैं दिल्ली रहने देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली उत्तराखंड आ रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू आप हैव 10th या 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफाई एविडेंस हैविंग स्टडी या ऑफिशियल लैंग्वेज यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास देखिए हाई स्कूल 12th की या 10वीं या हाई स्कूल की सर्टिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज की है मार्कशीट, तो आपको बताना यस या नो। कैटेगरी बतानी है जनरल और या कोई भी आपकी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अपने एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए इस केस में नो करने पे अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नो चेंज इन कैटेगरी यहाँ पे आपका आ रहा है, सब कास्ट आपका आ रहा है, ठीक है, सेम एज आपको इन कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देखते हैं आर यू पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपको यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी डिसेबिलिटी आ रहा है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आर यू सफरिंग फ्रॉम सर्वल पैरालिसिस हैंस या नो करना है। यहाँ पे डू यू नीड कंपल्सरी टाइम यस या नो करना है। आपका हैंड रेट इफेक्टेड है यस या नो करना है। यदि है तो आपको कितना समय चाहिए उसके बारे में यस, यहाँ पे आपको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे आपको डू यू नीड स्क्राइब यस या नो करना है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट गाइडलाइंस स्क्राइब की करते हैं तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं स्क्राइब की। रिलीजन आपको बताना है किस रिलीजन से, मैंने अपना हिंदू धर्म सेलेक्ट कर लिया। आपका माइनॉरिटी से यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंडियन नागरिकता देखने को मिल जाएगी। आर यू सीकिंग आपका रिलेक्शन अंडर द विडो डिवोर्सी यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्स सर्विस में यस या नो कर सकते हैं। क्या आप डिसेबल हैं, आपने एक्स सर्विस में यस या नो करना। आपका पीरियड मंथ बताने होंगे कितने सर्विस आपने किए मंथ तक। क्या आप डिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपका सर्विस स्किल इन एक्शन डी एक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे यस या नो अगर आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है उस केस में आपने आपका हाई स्कूल मैट्रिकुलेट एक्स सर्विस मैन हु ऑब्टेन इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफाइड इन एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका सर्टिफिकेट नेवी या एयरफोर्स, ठीक, कंप्लीट नॉट लेस देन 15 ईयर सर्विस यस या नो करके बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी वर्किंग है SBI कैडर आपका क्लर्क के लिए यस या नो करना है। हैव यू अर्लियर स्टेट बैंक इंडिया आपका रिजाइन फ्रॉम वाइल्ड आपका क्लरिकल कैडर यस या नो करना है। डू यू हैव रिकॉर्ड आपका डिफॉल्ट रीपेमेंट लोन क्रेडिट ड्यू अगेंस्ट द होस्ट नेम एडवर्स रिपोर्ट और सिविल अदर एक्सटर्नल एजेंसी यस या नो करना है। इस देयर इन एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर आपका जो है एंटीसेंटेड और मोरल आ रहा है तो उसमें यस या नो करना है। तो यहाँ पे देखिए इन सब में नो रहने दीजिएगा, ठीक है। जहाँ लगता है आपको यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपने पहले काम किया स्टेट बैंक में तो स्टेट आपको यहाँ पे चुनना है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग टू यहाँ पे आप अपने स्टेट चुन लें। मैं यहाँ पे फिलहाल दिल्ली चुन लेता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली NCR चुन लिया, स्टेट कोड आ जाएगा। स्टेट आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे आ रहा है दिल्ली NCR। यहाँ पे आपको स्टेट मेन सब्जेक्ट आप एग्जामिनेशन के लिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं दिल्ली चुन लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेलेक्ट कर लें इस तरीके से सिटी को, सेंटर मेन एग्जामिनेशन। आई अटेंड टू ब्रिंग फॉलोइंग आईडी यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आ रहा है,
तो किस आईडी प्रूफ को देना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर देना होगा। तो मैं पैन कार्ड करता हूँ, तो पैन कार्ड काइंडली आपका यहाँ पे इंडिकेट मीडियम पेपर, आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन क्या मीडियम पेपर है, इंग्लिश हिंदी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता दें, और आपको पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी के अनुसार क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ऐसे चुन लिया, यहाँ पे आपको देखते हैं एज आ गई, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल है, यहाँ पे आपको डू हैव ट्विन या आपका सिस्टर है, आपको आपको बताना है, अगर यस है तो आपको कैटेगरी बतानी होगी, मेल फीमेल है, ठीक है। आपका नेम ऑफ ट्विन का नाम, अब मैरिड अनमैरिड है जानकारी देनी है, ठीक है, विडो है, फर्स्ट नेम, फादर नेम, और इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है पूरी, ठीक है। यहाँ पे आपको मदर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्पाउस का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देंगे, और एड्रेस की कर पूरी जानकारी देंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताएंगे, स्टेट यहाँ पे बताएंगे, पिन कोड यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे अलग दोनों सेम इस कंडीशन पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज अलग अलग है तो यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी की आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, परमानेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस, इनमें सेलेक्ट करेंगे, वैलिड योर डिटेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल को फिल कर दिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी जो डिटेल है फिल कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्लोली मूव डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपनी मेरी डिटेल देखने को मिल जाएंगी, और वैल्यू योर डिटेल पे क्लिक करूंगा, सक्सेसफुली हो गया है, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए डिटेल में आपको मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप ग्रेजुएट हैं, अपीयर्ड हैं, पास हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपने किस स्ट्रीम से, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, आपका मैनेजमेंट किस से किया है, नेम ऑफ कॉलेज का नाम, ठीक है, डेट आपको बतानी, पासिंग परसेंटेज क्या है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो भी है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद अपीयर्ड यहाँ पे ड्यूअल डिग्री है आपको बताना है, उसके बारे में बता सकते हैं अगर यदि है, उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे नेम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका डेट ऑफ पासिंग परसेंटेज और क्लास ग्रेड क्या थी, फर्स्ट क्लास में से चुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ काम करते हैं, किस पद पर हैं, ठीक है, संस्था का नाम और किस पद पर हैं, अगर आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो। यहाँ पे आपको बताने डेट और ईयर, इस तरीके से यहाँ पे सर्विस पूरी जानकारी देनी है, अगर उस केस पर अगर अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन और रिमार्क फॉर लीविंग, ईयर, ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर जाएगा, आपका डिजिट यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, एक से अधिक एड मोर कर सकते हैं। यहाँ पे वेदर यू आपका डिजायरियस टेकिंग प्री एग्जामिनेशन की, अगर आपका इसमें एस एस टी होते तो माइनॉरिटी में होते, स्टेट कोड आता, बाकी सब आते, आपको भाषा जानते हैं आपको उस पर कर दें टिक, अन्य भाषा के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे और उस पर रीड स्पीक कर देंगे, और वैल्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल को फिल कर लिया, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस देना चाहे तो दे सकते हैं, और अन्य भाषा जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ठीक है, सिंपली इस तरीके से कर दिया है, और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने फॉर्म को फिल किया था, आप प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, मेरी यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ पे आई एग्री पे करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो पे क्लिक करें, देयर इज चेंज, अगर आपका नाम में चेंज है डॉक्यूमेंट्री तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद ओके पे यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट राइट डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना है, और कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट की भी आप देखना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड ये थी जानकारी आपकी SBI में निकली, आपकी ये थी आपकी वैकेंसी SBI द्वारा जारी किए गए क्लर्क की वैकेंसी के बारे में, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिल के ही आपको डिटेल दी। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों ही आप लोगों के लिए अच्छे रहे हो, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।